प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है, खाते पीते घूमते फिरते घर में कॉलेज में। रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाइलाइटेड है। जहाँ उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है, एक मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। भगवान इस लड़की को सद्बुद्धि दे, जब देखो तब टेढ़ा बा का मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं। और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहु पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहाँ प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी, हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं, जब वी मीट, और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आए तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। आप सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चुकती नहीं, यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के फूल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो, वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है। मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुँह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ, जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज नौकर काम करेंगे और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है और विकी के घर आते ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विकी भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विकी कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विकी बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगी रहती। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है। विकी दरवाजा पटक कर चला जाता है। धीरे धीरे विकी प्रज्ञा से दूर होता जाता है। एक रोज मनीषा प्रज्ञा के ससुराल उससे मिलने जाती है, तब सुनीता उससे कहती है,
बहन जी अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा, आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। प्रज्ञा तुरंत अपने फोन में रील्स ऑन कर ली। ये सब मुझसे नहीं होता, तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ, सास तो वैसी ही बदनाम है। शाम को घर की लाइट चली जाती है और मनीषा प्रज्ञा से कहती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा कैंडल जला देती हूँ मम्मा। प्रज्ञा गाते हुए कैंडल जलाती है और खिड़की के पर्दे के पास रख देती है। मनीषा जिसे बहुत दर्द हो रहा है वो सो जाती है और प्रज्ञा हमेशा की तरह अपने रिल्स में लग जाती है। उधर कैंडल की वजह से पर्दा आग पकड़ लेता है और मनीषा के कमरे में आग लग जाती है। बचाओ, कोई है, बचाओ! सभी भागते हैं और विकी कमरे की आग बुझाने में लग जाता है, लेकिन तब तक मनीषा आधी जल चुकी थी। मनीषा की हालत देख प्रज्ञा रोने लगती है। विकी मनीषा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है। विकी प्रज्ञा से कहता है, देख लिया ना तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई, अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। उधर डॉक्टर कहते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आधे से ज्यादा जल चुकी है। प्रज्ञा रोती हुई मंदिर में जाती है और भगवान के आगे जाकर कहती है, भगवान मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी, बस मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए। दो दिन बीत जाते हैं और मनीषा खतरे से बाहर आ जाती है। पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। सब कोई मनीषा से मिलता है और प्रज्ञा सबके सामने अपना फोन तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बेटा कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है, मैंने तुम्हें रील्स बनाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हर वक्त एक ही चीज तो सही नहीं है। मैं समझ गई हूँ मम्मा, I'm sorry। प्रज्ञा उस दिन से रील्स बनाना छोड़ देती है और पूरी तरह से अपने घर में लग जाती है।